ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहेब, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं। उस परमेश्वर की असीम कृपा से हमें ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है। पुणात्मा, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति है, आत्म कल्याण है। मनुष्य जीवन पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहेब अपनी प्यारी आत्माओं को अपने निध स्थान का ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही आते हैं और हमें प्रेरणा करते हैं कि तुम यहां काल के जाल में फंसे हुए हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। परमेश्वर कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, ये सकल तबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर कबीर जी वो हमारे पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, चीटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा, सभी उसी की आत्माएं हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण, काल प्रेरणा से हम अपने परमात्मा को भूल चुके हैं और हम इस काल के इस सुनियोजित जाल में फंसे हुए हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं को हम फाइनल मान चुके हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, सकल सभी नाकाल का, कुछ मुख में कुछ गोद। उस परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने आकर के स्वयं ही अपनी जानकारी हमें बताई कि तुम यहां के वासी नहीं हो। परमात्मा कहते हैं, ये काया तेरी है नहीं, माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों को खो। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, और बीत कर ख्वाबी ख्याल है, ये इस काल ने और माया ने तुम्हें भरमाया।
सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप जी जिस व्यवस्था में अपना मानुष जीवन व्यस्त किए हुए हो, बर्बाद कर रहे हो, व्यर्थ कर रहे हो, उद्देश्य क्या रखा हुआ है कि घना धन हो जा, बड़ी कोठी बन जावे, उसमें चिप्स मार्बल लग जावे, अच्छी कार हो, बैंक बैलेंस घना हो, फिर क्या हो जाएगा? परमात्मा याद दिलाते हैं कि सर्व सोने की लंका थी, रावण ने लंका पूरी जो है सोने की ईंटों से बना रखी थी, जैसे यहां गारा की ईंटें बनी हुई हैं और सीमेंट में चली जाती है, सोने में चली जाती थी, ऐसे सोने की ईंटें, स्वर्ण की, गोल्ड की, और गोल्ड की ही गारा सीमेंट, उसमें उसने महल बना रखे थे अपने। और यहां किसी के पास 200 ग्राम सोना हो जाए तो काख पीटता खड़े, और न सोचा बहुत धनवान हो गया। परमात्मा कहते हैं ये भूल है, सारी सोने की लंका थी, रावण जैसे सूरवीर थे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। रति माने 1 ग्राम स्वर्ण रावण अपने साथ नहीं ले जा सका, सर्व सोने की लंका थी। तो क्या बताते हैं, भक्ति बिना क्या होत है, ये भ्रम रहा संसार रति कंचन, 1 ग्राम गोल्ड रावण साथ नहीं ले जा सका जब मृत्यु हुई चलती बार। दूसरी हमारी इच्छा क्या होती है, डिमांड कि संतान हो, और संतान में भी पुत्र नहीं हुआ तो हम संतुष्ट नहीं होते। इस काल ने हमारे एक ऐसी प्रेरणा भर रखी है, जीव के बस की बात नहीं। परमात्मा कहते हैं यदि आपके संस्कार में कोई पुत्र है बहुत अच्छा, पुत्र नहीं है पुत्री पुत्री है बहुत अच्छा, और ये दोनों ही नहीं संतान ही नहीं है तो उससे भी अच्छा। अपनात्मा यूं कहते आए हैं कि जगत और भगत का सदा ही विचारों का जो है आपस में डिफरेंस रहा है, और जिस कारण से उन दोनों के विचार कभी नहीं मिलते। दूसरे शब्दों में ये कहते हैं जगत और भगत का सदा ही बैर रहा है। इसका कारण क्या है, क्योंकि संत भक्त परमात्मा के उस विधान के अनुसार चलते हैं जिसका जगत को, यानी जो साधक नहीं है उनको ज्ञान नहीं। जगत को ज्ञान है केवल काल प्रेरणा का, काल की व्यवस्था का, ज्योति निरंजन द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र रखे, जो फंसा रखे हैं केवल वहीं तक वह सीमित है। इसलिए ये शब्ददास ने कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत ही अच्छा, और है वो भी अच्छा, पुत्र है वो भी अच्छा, पुत्री पुत्री है तो भी अच्छा, लेकिन संतान बिल्कुल नहीं है बहुत अच्छा। क्योंकि यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो परमात्मा के विधान से आपको परिचित होना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। हम यहां एक दूसरे के साथ संस्कारों के कारण जुड़े हुए हैं, और संस्कार से ही कोई पुत्र बनता है, कोई पुत्री बनती है, संस्कार से ही हम एक दूसरे के नाती बनते हैं, कोई साला बनता है, कोई दामाद बनता है, कोई ससुर बनता है, कोई सास बनती है,
कहने का भाव यह है कि हम एक दूसरे से के साथ हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, जिस कारण से हम यहाँ संयोग से जुड़ते हैं, उस पूर्व जन्म के संयोग से, उन संस्कारों से हमारा फिर संयोग बन जाता है, हम यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। एक उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति था, किसान था, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसकी पत्नी की मृत्यु होगी, उसने दूसरा विवाह करवाया, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, फिर उसकी पत्नी की भी मृत्यु होगी और स्वयं की भी मृत्यु होगी। बड़ा लड़का जो था वो पहले वाली पत्नी से था और दूसरा दूसरे वाली पत्नी से हुआ, उनकी आपस में एज फैक्टर में कम से कम भी 10-12 वर्ष का अंतर था। छोटा लड़का 12 वर्ष का हुआ तो बड़े बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। छोटे वाला लड़का यानी उसका छोटे वाला भाई बीमार हो गया। अब उन दोनों ने बहुत इलाज कुछ इलाज करवाने की चेष्टा की, भाई और भाभी ने, लेकिन इलाज भी करवाते रहे। फिर कुछ दिन के बाद उनके मन में दोष आ गया कि यदि ये अब मृत्यु को प्राप्त हो जावे तो सारी जमीन अपनी ही रह जावे, सारी संपत्ति अपने पास रह जावे, और अब ये बीमार चल ही रहा है, सभी को पता है। तो उन्होंने क्या स्कीम बनाई, एक डॉक्टर से बात कर ली। डॉक्टर ने 500 रुपए लिए और उसको विष दे दिया, छोटे भाई को उसकी मृत्यु होगी। बात रफा दफा हुई, सभी को पता था भाई बीमार चल रहे हैं, महीना 2 महीने से वो बीमार थे, मृत्यु होगी, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के उपरांत उस बड़े भाई को पुत्र प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छी तरह उसका लालन पालन किया, क्योंकि पूरी संपत्ति थी। अब वो लड़का विवाह के योग्य हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के उपरांत वो बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि कम से कम उस पे कई लाख रुपए खर्च हो गए। अब बहुत चिंतित हुए, इकलौता पुत्र मृत्यु सैया पर, बहुत चिंतित। वो अपने बच्चे के पास बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बहुत ही दुखी मन से वहां पर बैठा है। तब वो लड़का बोलता है जो बीमार था, रोगी था, उसने कहा कि भैया अब मेरा और तेरा केवल एक कफन और लकड़ी का हिसाब किताब शेष रहता है, बाकी सब मैंने अपना चुकता कर लिया। लगभग आधी संपत्ति उसने सेल कर दी उस अपने पुत्र के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तब उस व्यक्ति ने सोचा कि बच्चा बहुत बीमार है, इसकी मानसिक हालत भी बिगड़ गई है, ये मुझे भाई कह रहा है। तब उसने कहा कि बेटा मैं तेरा भाई नहीं, तेरा पिता हूं। तब उसने कहा लड़के ने जो रोगी था कि मैं खूब जानता हूं तू मेरा क्या है, मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा भाई हूं और तू मेरा दुश्मन है, तूने मुझे ऐसे ऐसे मरवाया था डॉक्टर को पैसे देकर। तब वो जान गया, उसकी इससे बात पर समझ गया कहां बात तो यार नो बिगड़ी, ऐसे बिगड़ी है। तब उसने कहा कि भैया ठीक है, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया और जैसा मैंने किया आज मुझे मिल गया, क्योंकि मेरा वंश नष्ट होगा, इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अब मुझे कोई खेद नहीं, मैंने जैसा जुल्म किया था मुझे फल परमात्मा ने दे दिया,
पर एक बात बता, भाई मैंने तो जैसा किया फल मिल गया, मेरा तो विनाश कुल नाश हो गया, लेकिन इस लड़की ने जो तेरे विवाह हुआ है इसका, इसका क्या दोष बेचारी का? अब ये सती होगी तेरे साथ, पहले सती प्रथा थी, पति मर जाता था तो पत्नी को सात चिता में जिंदी जलाया करते थे, जीवित को फूका करते थे, उसको सती प्रथा कहते थे। तो कहने लगा अब इस बेटी का क्या दोष है, ये जिंदा जलाएगी तेरे साथ। तो उसने बताया कि वो डॉक्टर कहां है। अब उसने बताया कि वो तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तब उस लड़के ने कहा कि ये वही डॉक्टर है, आज मेरी पत्नी बनकर इसका जन्म है, अब ये जिंदा जलाई जाएगी। तो पुण्यात्माओं, यहां कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसे का पिता निपूतम। ये ऋण संबंध एक लोन आपस में ले रखा है, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारह बैठा। अपने आत्माओं, ये जो तत्व ज्ञान है, जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये संसारिक विचारों से, संसारिक परंपराओं के ज्ञान से बिल्कुल विपरीत होता है, जिस कारण से ये अखरता है प्रत्येक व्यक्ति को, लेकिन भक्तों को नहीं अखरता, क्योंकि वो परमात्मा के विधान से परिचित हो चुके होते हैं। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है, समाज में उनका जीना बहुत ही दुभर हो जाता है, और जिनको ये आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा का विधान समझ में आ जाता है, वो फिर समाज की बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भक्त हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट हैं परमात्मा वाली यूनिवर्सिटी के। तो फिर वो समाज के उन जो लोक वेद पर वो कोई ध्यान नहीं देते। अपने आत्मा, जिनके आज संतान नहीं है और ये मार्ग मिल गया, धन्य भाग है वो, क्योंकि उनका पिछला ऋण नहीं, शेष नहीं है, किसी का कोई लेन देन नहीं है। और जिनके संतान है वो भी बहुत अच्छा, क्योंकि उस पुण्यात बच्चे का भी कल्याण होगा, क्योंकि हम सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं और काल के जाल में फंस गए हैं। और जिनको ज्ञान हो गया, संतान है, उस बच्चों को भी परमात्मा के चरणों में समर्पित करवा दे, उनका आप रखवाला होगा भगवान। और फिर हमारे जो आपस में संस्कार हैं वो हल्के हो जाएंगे प्रभु की कृपा से, क्योंकि ये परमेश्वर कबीर देव, ये परम अक्षर ब्रह्म हमारे प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकता है, हमारे संस्कारों को हल्के करके उनको निमटवा देता है। अब क्या होगा, जैसे परमात्मा परम शक्ति है, ये हमारे संस्कारों को भी प्लस माइनस करके सेट कर देता है, इसलिए तो तभी तो हम सुखी होंगे। जैसे हमारे प्रारब्ध में कोई ज्यादा कष्ट है और उसको परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के आशीर्वाद से वो हल्की हो जाएगी। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वह कांटे में टल जाए। अभी क्या परंपरा बनी हुई थी समाज में, अभी भी बहुत है, लड़की के विवाह को एक मुकदमा बना रखा था, एक समस्या बना रखी थी, और इसी कारण से बेटियों से नफरत बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके विवाह में बहुत खर्च की आवश्यकता, बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ने लगी थी। ये लाल की लोग दहेज के चक्कर में जुल्म करने लगे थे। और वो होता क्यों है, क्योंकि जैसे बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे ले लेते हैं, देते नहीं, धोखा कर देते हैं, वो उनको अगले जन्म में वो देना पड़ेगा।
ऐसे देना पड़ेगा मनमानो वो दामाद बन कर ले, वो देना पड़ेगा और कई गुना हो जाएगा तब तक ब्याज ब्यूज लाग गए। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहां पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं घर वाले, और यहां आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी, बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता, विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है। और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहां वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया। और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। तो पुण्यात्माओं, जिनके संतान नहीं है और ये भक्ति मार्ग जिनको मिल गया, उनको विश्वास भगवान पर हो गया कि जो मालिक कहता वो सही है, उनका कल्याण तो होया पड़ा है। और दूसरे जिनकी दृढ़ विश्वास मालिक पर हो गया, संतान भी है बच्चा ने बिलाओ लाइन पर, कल्याण उनका भी गारंटीड है। लेकिन हमने यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि हमारे संतान नहीं हुई। यदि ये मार्ग ना मिलता और जिन बहन विशेषकर इस बात को सहन नहीं करती, और वो सहन करना चाहें तो संसारिक लोग कोई ना कोई इंजेक्शन जरूर ला दे रोज या तीसरे दिन, या तो कोई पड़ोस ना आएगी पूछेगी एक बहू का कोई बालक नहीं हुआ, 5 वर्ष हो गए ब्याह ने, तो ये कहेंगे कि ना कोई दया नहीं हुई भगवान की, एक जात तक तो चाहिए था। अब वह तो इंजेक्शन लाकर चली जा रूपाच्य, तो वो पुत्र वधू वह बेटी बहुत देर तक रोती है, सोचती है भगवान मेरे से क्या गलती बन गई, मुझे संतान क्यों नहीं मिली, एक संतान मिल जाती दुनिया का मुंह बंद हो जाता। अब यदि ये ज्ञान समझ में आ जाता फिर तो बात खत्म होगी, कोई कुछ भी बांटो कहीं जागा तो नींद में बांटे हैं कहते रहेंगे। और यदि ये मार्ग नहीं मिलता उन बहनों के साथ क्या बनता है, वो अंतिम श्वास तक वो क्या करते हैं कि लास्ट में फिर जिनका संतान नहीं है, ज्ञानहीन भक्तिहीन प्राणी, वो के करेंगे कोई बच्चा गोद लेंगे लड़का किसी भाई का या बहन का या कोई रिश्तेदार का, यो एक छड़ा और गाड़ेंगे छाती पर, और फिर क्या होगा। अब तो बात तो बिगड़ रही है क्योंकि संसार का बहुत व्यवहार बिगड़ गया बच्चों का। फिर घर में कहा सुनी भी होगी, बच्चे की पुत्र वधू भी होगी गोद लिए हुए की, फिर बुढ़ा बुढ़िया बैठ कर रोया करेंगे, नो कहे मारा बेटा होता थे कि आज नो कहता मेरे को, वो तो समस्या पैदा करेगी गोद लेने वाली तय। और अंत में क्या होगा फिर उसके साथ, उस संतान का अभाव फिर भी सतावेगा, मरते समय तक भी वो बहन वो माई यही करती हुई मर जाएगी, हे भगवान मेरे संतान होती आज मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ा दंतनता का, अगले जन्म में यू काल उसकी इसी दुर्गति करेगा, या तो कुतिया का जन्म देगा अगले 8-8 जाम एक कब्र में संतान तुम, या कितने सुअर एक ही जुनी देगा, एक ही टाइम एक ही ब्यांत पे 12-12 पैदा करेगी अगले, तो खूब जान जान के छक दे या त्री कसर ईव काट दू। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के जाल को समझो, परमात्मा ने जो भी कर रखा है उसमें संतुष्ट रहो और अपना पीछा छुटवाओ। मानुष जन्म पाए कर
नहीं रट हरि नाम जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब क्या बताते हैं परमात्मा के यदि आप जी संतान को ही महत्व देते हो तो सुन लो इसका परिणाम। एक लख पूत सवा लख नाती उस रावण के दीवान बाती। अब क्या बताते हैं परमात्मा के रावण के 1,00,000 पुत्र थे और 1,25,000 उसके रिश्तेदार थे, बड़े बड़े जो है ना पैसे वाले और बड़े सूरवीर। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई देखत नैन चला जग जाई। 1,00,000 पुत 1,25,000 नाती उस रावण के दीवान बाती। आप तो भगवान से 1 पुत्र की प्राप्ति के लिए खड़े कर रहे हो, 1 आशा लेकर आते हो। परमात्मा बताना चाहते हैं कबीर साहब जी के उस रावण के 1,00,000 पुत्र थे और काल ने वे भी खा लिए, उसके कोई दीवा लाने वाला भी शेष नहीं है। आज उसका दीवा नबाती। इसलिए इस काल की व्यवस्था से अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, परमात्मा पर विश्वास रखो, जो वो करते हैं वो सही करते हैं। एक समय एक राजा का एक महामंत्री था, वो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। राजा भी धार्मिक था लेकिन उस महामंत्री का विश्वास परमात्मा पर अलग ही था। दूसरे जो मंत्रीगण थे वो उस महामंत्री से बहुत ईर्ष्या रखते थे। उनका उद्देश्य था कि किसी प्रकार ये राजा के हृदय से गिर जावे और मेरा नंबर आ जावे महामंत्री पद पर। तो एक व्यक्ति ऐसे उसकी निंदा चुगली करते रहते थे, कोई ना कोई दाव लगाए रहता था। एक दिन राजा अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, वो कितनी तेज है, ऐसे स्वाभाविक निकालकर अन्यों हाथ से ऐसे देखते हैं जैसे ये नाई उस तरह देखा करे। उधर से वो बातें भी कर रहा था और साथ में उनके मंत्री महामंत्री खड़े थे। उसका ध्यान रहा नहीं, राजा की उंगली कट गई, अलग हो गई, दूर जा गई। और वो राजा ने कहा ले भाई बड़ा बुरा हुआ है, तो मेरी तो उंगली कट गई। तो महामंत्री ने कहा कि राजन बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, अच्छा ही हुआ। अब उस राजा का कुछ तो दर्द हो रहा और कुछ ही वो चुगलखोर पहले उनको कहते थे कि ये आपका वफादार नहीं है। राजा को वो बात ध्यान में आ गई, ये तो मेरा शत्रु है, मेरी उंगली कटी नहीं होगा, बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा उस दूसरों को कि इसको कैद में ठोक दो, और जो चापलूस था वो महामंत्री बना दिया, जो उस भगत की निंदा कराया करता था। कुछ दिनों के बाद राजा की उंगली ठीक होगी, ठीक का मतलब कट तो गई वो, लेकिन वो जख्म भर गया, जो शेष टूंड सा बचा था इतना, बाकी सारी कट चुकी थी। राजाओं की फिर एक व्यवस्था होती है, वो शिकार खेलने जाते हैं जंगल में, शिकार खेलने जाते हैं, इन मृगों को मारते हैं। अब राजा और वो महामंत्री जो नया चुना था और भी 20-30 उसके सैनिक 50 चले गए। राजा और महामंत्री जंगल में अकेले रास्ता भूल गए। उधर से जंगली लोगों का कोई पर्व था, देवी को बलि देनी थी, उनके पुरोहित ने कह रखा था उन जंगली लोगों के सरदार को, उनके पुरोहित ने कह रखा था कि मनुष्य की बलि दो तब देवी प्रसन्न होगी। तो उन्होंने उस सरदार ने वहां के जो मुखिया ने जंगल के उन लोगों के मुखिया ने
चारों तरफ बहुत से अपने व्यक्ति भेज दिए कि कोई मनुष्य लाओ पकड़ के, आदमी लाओ पकड़ के, नर नर बलि। वो 20-30 जने जा रहे थे, राजा और वो महामंत्री दोनों दिख गए, चारों तरफ से घेर लिए और पकड़ लाए। पकड़ के लाके खड़े कर दिए। अब पुरोहित ने कहा कि इनके अंग देखो, कोई अंग भंग ना हो, यानी शाम पूर्ण हो ये, नहीं तो पूजा अधूरी रह जाएगी। काणा ना हो, लंगड़ा लूला ना हो, हाथों की उंगलियां पूरी हो। अब वो लागे फिर उसकी चेकिंग कर, वो निरीक्षण करके देखा कि एक आदमी की उंगली कट रही है, ये उंगली नहीं है। पुरोहित ने कहा कि इसकी बलि नहीं स्वीकार होगी। वो राजा तो छोड़ दिया, वो दूसरा पूरा था, वो चापलूस ने बोला जी ओके है कि इसको कर दो काम, वो काट दिया। वो चापलूस तो कर दिया काम, वो काट दिया, राजा बच गया। अब राजा ने तो वहीं से स्पीड ठोक दी और पहुंचा घर पे। आते ही सबसे पहले उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको खोला और सीने से लगा कि भाई मुझे क्षमा करना, मेरे से बहुत भूल बन गई, आपको मैंने जेल में डाल दिया। आपने जो शब्द कहा था उस दिन कि आपकी उंगली कटगी, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ था आपकी बात का, लेकिन आज मेरे साथ वो घटना घटगी कि आपका वचन सही था कि ये बहुत अच्छा हुआ। अब राजा समझ गया, राजा को पता लग गया कि मेरी उंगली कटने से मेरी मौत बच गई, मेरा जीवन बच गया, नहीं तो मेरी जान जानी थी। तो फिर उस राजा ने मंत्री से कहा कि भी ठीक है, मेरे लिए तो अच्छा हुआ मेरी उंगली कट जाने से मेरी जीवन रक्षा होगी, लेकिन आपके लिए क्या हुआ, आपको अननेसेसरी 6 महीने की कैद काटनी पड़ेगी। अब वो महामंत्री, भूतपूर्व महामंत्री कहता है कि मेरी भी जान बच गई, ना आज तेरे साथ मैं होता और मेरी जान रहती, 6 महीने की कैद में मेरा भी जीवन रक्षा होगी, ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये भले ही कथाएं हों और भले ही ये सच्चाई है, लेकिन ये विधान परमात्मा का ऐसा ही है, हमने इसको सत्य ही मानना पड़ेगा। तो किसी के साथ कोई ऐसी घटना घट भी जाती है तो इन परमात्मा के जो दिए हुए फार्मूले हैं इनको तुरंत अप्लाई कर लिया करो अपने माइंड में, 90% टेंशन खत्म हो जाएगी और फिर रिजल्ट देखना परमात्मा का। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल जग दो नहीं पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फार्मूला है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक गटम प्राणी, कभू तो दीन दयाल के धनक पड़ेगी कान। अब ये दूसरा फार्मूला है कि परमात्मा के आगे उसके चरणों में पड़े रहना, आखिरी श्वास तक भक्ति करते रहना, और कोई भी मान ले आपके ऊपर आपत्ति है तो कहते हैं कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान, कभी तो सुनेगा दाता हमारी और अवश्य सुनेगा, वो सबकी सुनता है, भक्तों के लिए तो वो अपना सतलोक त्याग कर यहां आ जाता है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने कहा कि राम नाम रटते रहो। परमेश्वर ने स्वयं ही हमें एक तत्वदर्शी संत बनकर हमें समझाया है, अपना ही डबल रोल करके कहा है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो कौन से राम का जाप जपना चाहिए? अब यहां समस्या आती है, अब हमने अनेक राम यानी देव भगवान सेलेक्ट कर रखे हैं जिनकी हम पूजाएं करते रहे,
भगवान ब्रह्मा जी जो रजोगुण है, भगवान विष्णु जी जो सतोगुण है, भगवान शिव जी जो तमोगुण है, ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के प्रधान देवता हैं। इनके बारे में अभी तक लोक वेद सुनाया जाता था इन अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षियों और ब्राह्मणों के द्वारा कि ये अजरो अमर हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब हमने राम सेलेक्ट करना है, हमने भगवान सेलेक्ट करना है, किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नाश होए, जिस भगवान की भक्ति से हमारे शुभ संस्कार बने, अशुभ संस्कारों का नाश हो, हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मों का नाश हो। एक कई बार भक्त प्रसन्न करते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र तामरध्वज को आरे से दो फाड़ करवा के उसकी मृत्यु होगी थी, फिर उसको जीवित कर दिया था, तो वो भक्त कहते हैं क्या भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में शक्ति नहीं है, ये भी तो दुख दूर कर सकते हैं। पुण्यात्माओं, अब तामर मोरध्वज राजा के पुत्र को जीवित करके दुख दूर क्या किया, वो तो दुख पैदा किया श्री कृष्ण ने जाके, और जाके कह दिया हमारे शेर का आहार तुम्हारे परिवार में से एक आदमी हो, और लास्ट में लड़के के ऊपर आप फैसला कर दिया तुम अपना लड़का काटो मेरे शेर के लिए, सिंह के लिए। अब उसने तो समस्या पैदा कर दी जाकर उनके जी ने सुख के गया, वो लड़का जीवित कर दिया। अपुण आत्माओं, ये 16 कला के भगवान हैं और ये चतुर्भुजी भगवान हैं। एक छोटा मोटा सिद्ध भी ऐसी क्रियाएं कर देता है। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्र नाथ जी की अस्थि उठाकर उनका शरीर फूंक दिया गया था, उन अस्थियों से ही उसको पुनर्मनुष्य बना दिया और जीवनदान दे दिया। तो यहां कहने का भाव यह है कि और वही श्री कृष्ण जी जिसने मोरध्वज के राजा के पुत्र तामरध्वज को जीवित कर दिया आर्य से चरवा के मृत्यु के उपरांत, वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी जो सुभद्रा पुत्र थे अभिमन्यु जी, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में उनकी मृत्यु हो गई थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडवों के आंसू टपक रहे थे, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि उस तामरध्वज लड़के के श्वास शेष थे, यानी उसकी आयु शेष थी और उस अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसके प्रारब्ध में इतना ही आयु था और वहीं उसकी मृत्यु निश्चित थी, जिस कारण से अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण है या इस संगत के अंदर जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है, उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है। पुण्यात्माओं, और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की
आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म सूक्ष्म वेद बोलते, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के वाणी की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुख अरविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है। यही प्रमाण गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहां गलत कर रखा अनुवाद, या अनुवाद गलत कर रखा है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी, नहीं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मण का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुख्य का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी में सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है। वो तत्व ज्ञान है। गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वह वेद जानते ना ही। अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहां से छपा है? प्रकाशक है पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर, नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर दिल्ली, दूरभाष इतने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्ट प्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे सत वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सर्दाए यानी सत माने 100, सर्द माने सर्दी ऋतु, योगाग्रहण इसने 40 दिवाली खा रखी है, ऐसे ये यानी सत वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्ट प्रद रोग से मुक्त कर सत वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। ठीक है, एक और दिखाते हैं
ऋग्वेद ये छोटे वाला है, मंत्र तो वही है इनका, सिर्फ साइज पुस्तक का अनुवाद करके छोटा बड़ा इन्होंने किया हुआ है। 9-10 मंडल इकट्ठा ही किया है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इन्होंने यहां थोड़ी सी हेरफेर करने की चेष्टा की है, इस अनुवादकर्ता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 और मंत्र नंबर 2 यहां देखिए। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है और यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप है, समीप पहुंच गया ही है तो भी उस रोगी को या इन्होंने अपना अड़ंगा डाल दिया, क्योंकि ये दानंद जी के विचारों से प्रभावित हैं, महर्षि दानंद। और महर्षि दानंद जी ये मानता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने यह वेद लिख दिया। वेद का किताब प्रकरण इस मूल संस्कृत में, मूल व्याख्या में। ये कोई दवाइयां की किताब नहीं है, ये परमात्मा की महिमा का विधान है। या वेद नहीं लिखना था, इन्हें अपनी अज्ञान सोच अड़ा दी। ऐसे हम हिंदी पढ़ते रहे, संस्कृत हम नावे नहीं थी, इन अज्ञानियों ने ऐसे नाश कर रखा हमारी आध्यात्मिक ज्ञान का। यहां उस रोगी को मैं वैद, यहां वैद लिख दिया। पढ़निया ने सोचा वैद बूद कर देता होगा, वैद तो करेंगे, वह दवाई अच्छी जानता होता है। नहीं, कष्टप्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूं, ये भगवान की महिमा है, वैद की नहीं। और 100 शरद ऋतुओं तक जीने के लिए यानी 100 वर्ष तक उसको बल युक्त करता हूं। अब यहां देखना, यही अनुवाद करता है मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 का और मंत्र नंबर 2। यहां ये भूल गया कितना है, वह दानदारी विधान को भूल गया। ये देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 80 और इसका जो दूसरा मंत्र है, दूसरा अब देखना। हे परमात्मन, आप उपासकों की या अपने भक्तों की साधकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं। यहां कोई ना याद रहा है इसका वेद लिखना भूल गए। अब कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे, चोर चुराई तुम्बड़ी, तुम्बड़ी का तुम्बा, एक जैसे ये पेठा देखा होगा आपने तकरीबन, पेठा तो सभी देखते हैं, इसी टाइप का एक मतीरा होता तुम्बा, अच्छी बड़ी घिया देखी हो आपने, इतनी बड़ी हो जाए, उससे भी बड़े साइज का इतना बड़ा हो जाता तुम्बा। तो उस तुम्बे का अंदर से वो निकाल लेते हैं सारा मटेरियल, बाहर उसका कवर रह जाता है। उसको ज्यादातर साधु संत भी रख लेते थे अपने पास, या इकतारा बनाते थे ये गाने बजाने वाले। तो वो उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो नीचे छोड़ दे जाकर, वो तुरंत ऊपर आ जाता है, नीचे नहीं रहता, फ्लोटिंग बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानियों ने सच्चाई को उस तुम्बे की तरह, जैसे कोई चोर ने तुम्बा चुरा लिया और पानी में छुपान लाग गया, वो नीचे छोड़ कर आवे ऊपर आ जा, वो चोर नीचे जल में छोड़ कर आवे उससे पहले वो ऊपर आ जावे। तो परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुम्बड़ी और छुपावे पानी में, वो छुपावे वह ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। यानी इन अज्ञानियों ने इन सदग्रंथों का अज्ञान करने की बहुत चेष्टा की, सच्चाई को छुपाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन ये छुपा नहीं सके, कहीं ना कहीं से ये सच्चाई ऊपर आ ही गई। तो ये कबीर परमेश्वर है जो हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, हमारे रोग का नाश भी कर सकते हैं, और ये हमारे अशुभ संस्कारों को भी नाश कर सकते हैं। अपन आत्माओं, हमने भगवान सिलेक्ट करना है।
अब आपको दिखाते हैं, परमात्मा कहते हैं तुम कौन, राम का जपते जापम और तात कटे ना तुमरे तीनों तापम। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति करने वालों के विषय में कितनी शानदार निर्णायक व्याख्या की है कि जो इन तीनों देवताओं की, ब्रह्मा जी की तो पूजा कोई करता ही नहीं, ज्यादातर श्री विष्णु जी और इनके अवतार श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी की ही पूजा करते हैं और या फिर भगवान शंकर की इनके साथ साथ करते हैं। अब इन तीनों की भक्ति हमने करनी चाहिए या नहीं, इसका निर्णय भी सदग्रंथ ही देंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी गति होती है, यानी यूजलेस व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, यानी सदग्रंथों में शास्त्रों में जो लिखा है उसको फाइनल मानना, किसी की लोक वेद पर विश्वास मत करना। अपुनात्मा अब आप जी के रूबरू वो व्याख्या करते हैं जिसमें हमारे सदग्रंथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के पुजारियों के बारे में क्या कहा है, इनको क्या उपमा दी है। अब अपने सदग्रंथ पढ़ते हैं हम। एक विशेष रजाकरी परमात्मा ने हमें शिक्षित किया, शिक्षित करके अब सदग्रंथों का खजाना हमारे सामने खोल दिया। सदग्रंथ सत्य हैं, वेद कते झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नाही, झूठे तो वो है जो इनको समझ नहीं सके, ये शास्त्र गलत नहीं है। देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपी है, प्रकाशित है। अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं पढ़ेंगे, पहले ये नकली गुरु हमें गलत बताते रहे। 7वां अध्याय अथ 7वां अध्याय प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने भक्ति में, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल एवं ऐश्वर्य युक्त गुणों से युक्त सबसे सबके आत्मरूप मुझ को संशय रहित जानेगा उसको सुन। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि मैं ईसा ज्ञान बताऊंगा तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा मैं क्या हूं। अब श्लोक नंबर 2 अध्याय नंबर 7 का, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा है और जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तोड़ फाड़ दिया। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में गीता ज्ञानदाता कहता है इस 7वें अध्याय में तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि तू मुझे संशय रहित समझ सकेगा और इस ज्ञान के जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम 7वां अध्याय का अब श्लोक नंबर हम तीसरा पढ़ते हैं, पहला दूसरा पढ़ दिया। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, मेरे बारे में कोई कोई जानता है मैं काल हूं क्या हूं,
अब देखो क्या कहा, चार और पांच में, पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह आठ प्रकार के भेद वाली तो अप्रा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। आगे देखो, हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा है। ये तो आठ प्रकार की तेसने बता दिया, ये जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये तो आठ प्रकार की है। और इससे दूसरी ये तो जड़ प्रकृति है, और इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा यानी परा चेतन प्रकृति जान, ये दुर्गा के बारे में कहा है। इसी अब यहां प्रकृति दो होगी, ये ध्यान रखना। और इस प्रकृति के बारे में, दुर्गा के बारे में शिवपुराण और दुर्गा पुराण में भी यही प्रमाण है। अब हम आएंगे गीता जी अध्याय नंबर 7 के अब 11 में, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 का अब 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामना से रहित बल हूँ, बलवानों का बल यानी सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम हूँ। अब बारहवे को हम पढ़ेंगे, सातवें अध्याय का अब बारहवां श्लोक पढ़ेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। पुण्यात्माओं, ये पवित्र सदग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद् गीता जी, इसमें दो प्रकार का ज्ञान है। दो प्रकार का कैसे है? एक तो गीता ज्ञान दाता का अपना मत है, उसके अपनी सोच है, अपना अनुभव है, और दूसरा ज्ञान है वेदों का। ये चारों वेदों का सारांश है, यानी कोड वर्डों में अधिक जानकारी है श्रीमद् भगवद् गीता में, और चारों वेदों का एक संक्षिप्त रूप और निष्कर्ष रूप है, ये ज्ञान है। अब ये स्थान स्थान पर गीता ज्ञानदाता कहता है ये तो मेरा मत है, यानी मेरी सोच तो ये है, और बाकी जो ज्ञान ये दे रहा है वो वेदों वाला दे रहा है। इसने युद्ध कराने के लिए जो अटकल अड़ाई है, अटकलबाजी की है, वो तो इसका मत है। जैसे दूसरे अध्याय के गीता जी के 37 में और 38 में श्लोक में ये कहता है कि अर्जुन तो युद्ध कर ले, युद्ध के लिए खड़ा हो और लाभ हानि भूल कर, लाभ हानि को भूल जा, जय पराजय की भी इच्छा मत कर, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, ठीक है। और तुरंत ही कहता है कि यदि तू युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, और यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में जाएगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। ये अटकलबाजी का ज्ञान, दोगला ज्ञान, ये भ्रमित करने वाला ज्ञान, ये काल का है, अपनी अपना मत है। अब सातवें अध्याय के 11वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने क्या कहा है कि जो रजगुण यानी श्रीवर्मा जी से जो संसार की उत्पत्ति जीव आपस में जो है ना प्रेरित होकर के वासना वश होकर के जीव उत्पत्ति करते हैं, संतानों उत्पत्ति करते हैं, ये तो श्री ब्रह्मा जी रजगुण से हो रहा है,